हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि रेलवे ALP और टेक्नीशियन का यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। तो यहाँ पे कई कैंडिडेट के मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर एक DV के रिलेटेड एक वीडियो बनाइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी प्रकार की एरर है तो आप उसे किस तरह से सुधार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2014 में जब DV हुआ था तो कई कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में एरर होने की वजह से उनकी नौकरी नहीं मिल पाई, उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया। तो आप भी ऐसे भूल ना करें, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है DV के रिलेटेड, रेलवे के रिलेटेड, वो हम आप तक प्रोवाइड कर सके। तो चलिए गाइज, यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल PDF की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन यानी आपका 10th का जो मार्कशीट है वो आपकी यहाँ पे होनी जरूरी है। और 10th की मार्कशीट में देखिए डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी थी या फिर आपने अपना जो नाम लिखा था तो वो जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नाम और आपका जो मार्कशीट के अंदर जो नाम है वो आपका जो है सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों के अंदर आपका सेम नहीं हुआ तो आपको DVs जो है उसमें से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर कई कैंडिडेट जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन ना होने की वजह यही होती है कि उनका जो है मिसमैच हो जाता है नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, तो वो कैंडिडेट क्या करें? तो देखिए, आपको लॉयर के पास जाके जो है एक एफिडेविट बनवा लेना है, उसमें आपको क्लियरली मेंशन कर देना है कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप मेंशन कीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से फिलअप हो चुकी है, मेरी ओरिजिनल ये है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, तो आपका DV में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए आपका 12th का मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने 12th किया तो आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने इंटर यानी वही हो गया आपका, मतलब आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए अगर आपने 12th किया है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपका डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, SCVT का सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए अलॉन्ग विथ आपकी जो है सारे सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट होना चाहिए। अब देखिए, कई कैंडिडेट के मुझे यहाँ कमेंट हुआ थे कि यहाँ पे उनके एक आध सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट जो है वो उनकी खो चुकी है, तो वो क्या करें? तो वो उनको जो है अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ जाके उनको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जो है नई मार्कशीट के लिए अप्लाई कर देना है। तो वो आपको जो है 5 से 6 दिन में आपको मिल जाएगी। तो आप जो है ये काम कर सकते हैं अगर आपका एक भी मार्कशीट आपकी खो गई है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST सर्टिफिकेट आपका, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, अगर आप OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका है OBC NCL सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं, देखिए OBC अगर आप NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन लिख के देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वो भी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, अगर आप जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य हो जाएगा। तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका करंट जो है फाइनेंशियल ईयर है वो उसी का होना चाहिए, मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद का अगर बनाया हुआ है तो आपका वैलिड माना जाएगा, उससे पहले का आपका वैलिड माना नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप जो है एक्स सर्विसमैन है तो आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, वो आपको यहाँ DV के टाइम प्रोवाइड करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने आधार नंबर डाला था वो आधार कार्ड जो है आपका लेके जाना जरूरी है, दोनों साइड फोटोकॉपी आपको जो है प्रोवाइड करनी जरूरी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन जो है PWD कैंडिडेट है तो उसको जो है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। अगर उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अलग होता है और सिंगल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अलग होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप जो है कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है डिफेंस में सर्व कर रहे हैं तो आपको डिफेंस से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको DV के टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ पे हो रहा था कि, अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ जो जिसमें कई बच्चों ने गलती की है कि आपने जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपने जो है पेमेंट की रिसिप्ट अगर आपने बचा के रखी है तो वो आपके यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट
की होगी आपने, उसकी रिसिप्ट अपलोड करनी जरूरी हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने जो है पेमेंट वो रिसिप्ट सेव नहीं की है तो आप क्या कीजिए, आप अपने बैंक में जाके जो है उन्हें बताइए कि इस डेट में मैंने जो है पेमेंट किया था तो मुझे उसकी जो है रिसिप्ट चाहिए, तो वो आपको जो है निकाल के दे देंगे। तो ये आपको बता दूँ कि पेमेंट की रिसिप्ट आपकी होनी अनिवार्य है, अदरवाइज आपका जो है DUI में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो आपको जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा। उसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो JK का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है जम्मू कश्मीर का, वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो देखिए आप अगर जो है वीडियो है या फिर अगर आप डाइवोर्स हैं तो आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा लॉ कोर्ट का। उसके बाद बात करें तो अगर आप जो है देखिए यहाँ पे अगर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट एंड एफिडेविट, देखिए अगर आपके हस्बैंड की या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की या डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे आपको जो है डेथ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना जरूरी हो जाएगा एक एफिडेविट के साथ। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है जिन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस सेंट शुड गिव ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर उनकी नौकरी कहीं सिविल सर्विसेज में लग गई है तो और उनको ये जॉब चाहिए तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट आता है वो उनको लिख के देना होगा जिससे उनकी यहाँ पे DV में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जरूरी होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, ये SC ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको जो है सेंट्रल लेवल का बनवाना है, देखिए इस तरह से आपको जो है सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब OBC कैटेगरी की बात करें तो देखिए OBC सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट OBC NCL का सर्टिफिकेट जो है आपको इस तरह से बनाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप किस तरह से बनवा सकते हैं। देखिए ये जो है आप एक तो ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और एक ये जो है ऑफलाइन भी बनता है। तो देखिए ऑनलाइन बनाने के लिए जो है आपको जो है आपको सर्च करना है कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन, तो यहाँ पे उनकी जो है साइट का पोर्टल आ जाएगा तो उस पर आपको जो है लॉगिन करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी फिर आपको ऑनलाइन आपका बन जाएगा। और ऑफलाइन आप कैसे बनाए तो देखिए इसके लिए आपको जो है आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जा सकते हैं या फिर आप तहसील ऑफिस में जा सकते हैं। तो इनके ऑफिस में जाके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मांगना है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो आपको देंगे। फिर आपको जो है अपने साथ जो है अपने एक ब्लड रिलेशन यानी आपका भाई हो सकता है या फिर आपके पेरेंट्स होता है उनमें से किसी भी को लेके जा सकते हैं और उनके डॉक्यूमेंट भी आप साथ में लेके जाइए। तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जेरोक्स भी लेके जाइए, जेरोक्स आपको अटैच करनी होगी। फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे कम से कम 10 से 15 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, आपका DV अगर पीछे है तो आपको यह चीज़ बेनिफिट हो जाएगी। तो आप जो है अगर OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो ये जल्दी से बनवा लीजिए क्योंकि इसे आने में भी टाइम लगता है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है OBC नॉन क्रिमिनल वालों को एक डिक्लेरेशन लिख के देना होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देनी है, उसके बाद नीचे जो है आपके यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, वहाँ पे आपके सिग्नेचर कर देने हैं, आपका नाम लिख देना है, प्लेस आपका जैसे आपने अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं तो अहमदाबाद लिख देना है यहाँ पे, और अगर आपकी डेट यहाँ पे लिख देनी है जिस टाइम आप जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, इस तरह से आपको NCL का यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन लिखना है। अब बात कर लेते EBC कैटेगरी की, तो देखिए EBC कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है इस तरह से होना चाहिए आपका, देख लीजिए नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, एज, रेसिडेंशियल एरिया, एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, एन्यूअल फैमिली इनकम, यहाँ पे ये सब फिलअप करने के बाद इस फॉर्मेट में आपका जो है होना चाहिए आपका EBC कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, देखिए अगर आपका सिंगल डिसेबिलिटी है तो आपका जो है याद देख रखिए एनेक्शर 5A में से आपको जो है फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको एनेक्शर 5B का फॉर्मेट आपको लगेगा अगर आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो। और उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ये रहा आपका गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट सारे बनवा लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और आपको जो है सब कुछ अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको सब कुछ बनवाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।